गीडा के सेक्टर 13 स्थित नागलिया फूड फैक्ट्री में फटा बॉयलर, दो मजदूरों की हुई मौत। फैक्ट्री मालिक व मैनेजर फरार। मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ व एसडीएम सहजनवा ने लिया स्थिति का जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। मात्र 18 सेकंड में चोरों ने ज्वेलरी और नकदी से भरे बैग पर किया हाथ साफ। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के रेल विहार चरगावा में स्थित दिव्य ज्वेलर्स शॉप का, घटना सीसीटीवी में कैद, तफ्तीश में जुटी पुलिस। शासन के निर्देश पर कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 11 अप्रैल तक रहेंगे बंद। बीएसए ने कहा, पंचायत चुनाव के मद्देनजर सभी शिक्षक स्कूल पर रहेंगे मौजूद, करेंगे अपने दायित्वों का निर्वहन। साइबर क्राइम की बढ़ती घटना को देखते हुए साइबर थाना ने लोगों से की अपील। कहा, बीएसएनएल के केवाईसी अपलोड के अनजान फोन और एसएमएस को करें नजरअंदाज, सहायता के लिए 1503 पर करें टोल फ्री कॉल। गुड फ्राइडे पर क्राइस्ट चर्च में विशेष प्रार्थना का किया गया आयोजन। मसीहियों ने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही 7 वाणियों पर किया गया विचार। गोरखपुर में शुक्रवार को मिले 82 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,914। अब तक 367 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 345 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के नामांकन के लिए जमानत धनराशि जमा करने के लिए अवकाश के दिन भी खुले बैंक। 5 काउंटर पर हजारों उम्मीदवारों ने जमा किए चालान। पैतालीस साल के ऊपर के व्यक्तियों का महिला जिला चिकित्सालय में किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। टीकाकरण कराए नागरिकों ने कहा, नहीं हुई कोई दिक्कत। कहा, अपनी बारी आने पर अवश्य कराए टीकाकरण। और विश्व हिंदू परिषद महानगर के उत्तरी एवं दक्षिणी भाग की संयुक्त बैठक हुई संपन्न। गांव-गांव श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाने पर हुई चर्चा।